अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई बनाकर रेडी की है। पूरी होममेड है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बन जाती है। बहुत ही आसान है बनाने के लिए और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो आप बना सकते हैं इस तरह से, ये देख सकते हैं ना, एकदम सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही घुल जाती है। इस तरह से बनाकर रेडी की है। ये देख सकते हैं। चलो हम बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। एक गिलास यहाँ पर हमने दूध लिया है, कोई भी नॉर्मल गिलास आपके घर में जो है वो ले सकते हैं। और 2 कप हमने लिया है मिल्क पाउडर, ये 125 ग्राम का कप है। इस तरह के हमने 2 कप लिए हैं। और ये शक्कर ली है, शक्कर हमने लिए है 80 ग्राम। और ये परफेक्ट मेज़रमेंट है हमारा। अब हम एक देगची लेंगे, कोई भी देगची लो, थोड़ी सी मोटी तले की देगची लेंगे। और यहाँ पर हमने ये कढ़ाई ली है, इसके अंदर हम दूध डाल देंगे। दूध बिल्कुल सादा टेम्परेचर पर है, नॉर्मल टेम्परेचर। ये दूध ले लिया है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे हमारी जो शक्कर है, ये डाल देंगे 80 ग्राम शुगर। और 2 कप हम डालेंगे ये मिल्क पाउडर। मैंने नीडो की मिल्क पाउडर ली है, आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं, ठीक है। और इसको हम अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना रह जाए। पहले हमने गैस पर नहीं चढ़ाया है, चूल्हे पर चढ़ाने से पहले इसके लम्स को हम अच्छे से सही कर लेते हैं, मतलब पूरा पिघला लेते हैं। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें। और ये देख सकते हैं ना कितना गाढ़ा हो गया है ना उसके अंदर मिल्क पाउडर डालने से। और मिल्क पाउडर डालने से अच्छे से गाढ़ा भी हो गया है। अब इसको हम पका लेंगे, गैस के ऊपर रख देते हैं हम, और गैस की फ्लेम हम एकदम लो रखेंगे। जब तक हमारी मिठाई रेडी होती है तब तक हम लो गैस पर ही इसे बनाने वाले हैं। टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं लगता है लो गैस पे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली है। अगर आपको ज़्यादा लेना है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी भी ले सकते हैं, इसे डबल ले सकते हैं। ये आराम आराम से हम चम्मच चलाते रहेंगे, साइड में हमको जलने नहीं देना है, साइड में लग सकती है, तो कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहेंगे। और यहाँ पर हमने वीडियो को फास्ट कर दिया है ताकि आपको बता सकते, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये देख सकते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होने आ रहा है दूध, तो चम्मच चलाते रहेंगे हम। ये पककर ऑलमोस्ट आधा होते जा रहा है और इसका फ्लेवर है ना बहुत बढ़िया आता है। एक तो दूध हमारे अच्छे से पक रहा है, उसमें हमने मिल्क पाउडर डाल दी है, तो उसे टेस्ट एकदम दुगना हो जाता है इसका, बहुत ही बढ़कर आता है। और ये हम चम्मच चलाते रहेंगे, देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता से गाढ़ा होने लगा है ना। और साइड से भी अच्छे से हम निकालते जाएंगे, साइड में ज़्यादा चिपकना ना दे, क्योंकि फिर वो स्मेल आ जाती है ना, दूध जलता है ना तो उसमें बहुत गंदी स्मेल आती है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा ध्यान से टिप्स और ट्रिक के साथ करें। और साइड से चम्मच चलाते रहेंगे, तो गैस की फ्लेम हमने लो ही रखी है अभी भी। अब देख सकते हैं पककर एकदम आधा हो गया है, इसके अंदर बॉईल आने लग गया है ना। मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि आपको पूरा बता सकूं इसके अंदर। तो और भी गाढ़ा हो चुका है, इसके अंदर थोड़ा सा हम डालेंगे घी। हमने आधा टीस्पून घी डाला है, ये जमा हुआ घी है। अगर मेल्टेड है ना तो आप 1 टीस्पून भरकर डालें, और लास्ट में 1 टीस्पून के करीब हम डाल सकते हैं। और ये हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। घी हमने अभी इसके लिए डाला है कि तले पर हमारा ये जो मिक्सचर है ना ये चिपके नहीं, क्यों बहुत ज़्यादा सूख रहा है ना, अभी ड्राई होते जा रहा है। अब इसके अंदर डालेंगे इलायची पाउडर, 1 टीस्पून भरकर हमने इलायची पाउडर डाली है। इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आ जाएगा हमारी मिठाई में। और ये देख सकते हैं ना कैसा होते जा रहा है, ये अच्छे से थिक होते जा रहा है। इसी तरह हम करते जाएंगे और थोड़ी ही देर, ये काफ़ी देर तक हमने कर लिया है। और ये देख सकते हैं इसकी थिकनेस। और आप इसको है ना थोड़ा सा साइड में निकाल कर ठंडा करके चेक कर सकते हैं, दिखाएंगे हम आपको।
थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सेट हो सकता है। तो ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल होते जा रहा है, चम्मच हमारी कंटिन्यूसली चल रही है क्योंकि ये लास्ट स्टेप है। तो लास्ट में हम गैस की फ्लेम स्लो ही रखेंगे क्योंकि ज़रा सी भी फास्ट हो जाए ना तो नीचे से लग सकता है, कलर इसका ब्राउन हो सकता है। तो इसी तरह हम चम्मच चला रहे हैं और इसको सेट कर रहे हैं। और इस स्टेज पे थोड़ा सा घी आप डाल सकते हैं, हाफ टी स्पून के करीब, ताकि ये चिपके नहीं। देख सकते हैं ना थोड़ा सा घी तो रिलीज़ हो रहा है इसका, थोड़ा सा चिकना, क्योंकि फैट मिल्क लिया है हमने, फुल फैट मिल्क लिया है। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा निकाल कर उंगली से, अगर इसका हल्का सा बॉल बनता है ना, अगर हाथों को नहीं चिपकता है तो हम इसको निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं ना किस तरह से है। तो ये हमारा बैटर पूरा रेडी है मिक्सचर। तो गैस की फ्लेम हम बंद कर देते हैं और इसको हम निकालेंगे। ये हमने एक टिन लिया है, कोई भी डब्बा आप ले सकते हैं, उसको हमने बटर पेपर लगाया है और बटर पेपर के ऊपर भी थोड़ा सा घी डाल दिया है ताकि बिल्कुल इसको चिपके नहीं। और इसको हम फैला देते हैं अच्छे से सेट कर देंगे। और इसके ऊपर आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैं पिस्ता डालूंगी गार्निशिंग के लिए और थोड़ा सा डालूंगी ज़ाफ़रान। और अगर ये नहीं भी है ना तो फिर कोई बात नहीं, सिंपल ही बना सकते हैं हम लोग। और ये ज़ाफ़रान भी डाल दिया है। अब इसको हम रखने वाले हैं इसको सेट होने के लिए, अभी भी गर्म है ना, तो हम 15 से 20 मिनट तक हम फ्रिज में रखेंगे इसको ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। और 15 मिनट के बाद हम निकाल कर चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं ना बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसको हम कट कर लेंगे, जो भी शेप चाहिए ना वो कट कर सकते हैं। मैं सिंपल ही कट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही लेट हो गई है, मेरा वीडियो बहुत लेट हो गया था। तो इसके साइड्स हम निकाल लेते हैं और इसके कट कर लेते हैं, आराम आराम से कट करेंगे। तो ये हमारी मिठाई रेडी है, कलाकंद जैसी, बिल्कुल कलाकंद बनकर रेडी है हमारा होममेड, और बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये बनकर होने तक और वीडियो अपलोड होने तक ये कलाकंद हमारा पूरा ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से हमने बनाकर रेडी किया है, आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई करें। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।